Hello student, welcome back to CNJ Viva. Let's decode the science of living. This is your educator Sugan Sharma. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे. उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लिया था हमने कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे हमारे हेलिक्स, शीट एंड टर्न्स. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी हेलिक्स, कि हेलिक्स किस किस बेसिस पर फॉर्म हो सकते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर, स्क्रूसेंस के बेसिस पर, एटम्स के बेसिस पर, या फिर अमाइनो एसिड्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो हेलिक्स जो हम पढ़ेंगे या जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें एक चीज़ आ जाती है कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस. जैसे हमने बात करी थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमारा सिंपल ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है बिटवीन दी अमाइनो एसिड्स. तो जो इन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा, वही क्या प्रेफर करेगा कि वो कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए ज़्यादा फेवरेबल है. तो अगर हम देखें उस अमाइनो एसिड्स में, अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट हैं जिसमें हम ये हमारे लिखे हुए हैं सिंगल लेटर कोड ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो एम फॉर मिथ्योनिन, ए फॉर एलानिन, एल हमारा ल्यूसिन, ई फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड के फॉर लाइसिन. तो ये क्या प्रेफर करेंगे हमारे जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स बनने हैं. अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट हैं तो ये हेलिक्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे. दूसरी तरफ अगर हम शीट की बात करें, जो शीट्स बनेंगी, दूसरा टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या होंगे, अगर हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो हमारे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन प्रेजेंट होंगे, तो वो प्रेफर करेंगे शीट स्ट्रक्चर बनने के लिए, ना कि हेलिक्स फॉर्म करने के. दूसरी तरफ हमारा क्या बोला जाता है, जो टर्न्स को प्रेफर करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोलीन एंड ग्लाइसिन. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोलीन और ग्लाइसिन को बोला जाता है दे आर हेलिक्स ब्रेकर या फिर शीट ब्रेकर, क्योंकि ये जहाँ भी प्रेजेंट होंगे ये हमारे ना तो हेलिक्स फॉर्म होने देंगे ना ही शीट फॉर्म होने देंगे. उसको क्या, किस में कन्वर्ट कर देंगे, लूप में, जो हमने बात करी थी कि कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने में काम आता है. तो अगर हम बात करें अबाउट दी कि हमारा जो स्क्रूसेंस के बेसिस पर अमाइनो एसिड्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो स्क्रूसेंस के बेसिस पर हमारा हो सकता है राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड. तो राइट हैंडेड की बात करें तो जो भी हमारा अमाइनो एसिड्स है, जो हेलिक्स की, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी, तो हेलिक्स हमारा अगर राइट हैंडेड मैनर में क्या हुआ है, ट्विस्ट हुआ है या कॉइल हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो राइट हैंडेड हेलिक्स है. जैसे अगर हम देखें, अगर हमारा अमाइनो एसिड इस तरह से लूप ले रहा है, इस तरह से टर्न हो रहा है, हेलिक्स इस तरह से फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज हमारा क्या हो रहा है, टर्न फॉर्म हो रहा है. तो उसको बोल देते हैं क्लॉकवाइज या फिर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. और दूसरी तरफ अगर हम बोले कि वो हमारा लेफ्ट हैंडेड मैनर में या फिर एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो रहा है, कॉइल हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है कि ये हमारा हो गया हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, जो क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, या फिर हम बोले हेलिक्स फॉर्म कर रहा है. तो नेचर में अगर मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो हमारे क्या हो जाते हैं, राइट हैंडेड वाले ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो भी प्रोटीन्स में मिलते हैं हमारे स्क्रूसेंस के बेसिस पर अगर हम बात करें. दूसरा नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे जो हेलिक्स हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, डी एंड एल टाइप. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डी और एल हम कैसे डेजिग्नेशन देते हैं. तो अगर ये हमारा सिंपल हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर होता है हमारा अमाइनो ग्रुप. यहाँ पर हमारे हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, आर चेन ले सकते हैं. तो अगर ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, ये हमारा कहाँ प्रेजेंट हो, लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो, तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं एल टाइप अमाइनो एसिड्स. और अगर हमारा लेफ्ट में प्रेजेंट हो जाए यही ग्रुप, तो उसको बोल दिया जाता है डी टाइप अमाइनो एसिड्स. अगेन जो नेचर में प्रेफर होंगे वो हमारे एल टाइप होते हैं. ये मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उसमें ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलेंगे, एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे. और अगर एक चेन एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स से शुरू हो गई, तो उसमें जितने भी अमाइनो एसिड्स ऐड होंगे, जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो सारे एल ही होंगे. मिक्सिंग नहीं हो सकती है कि एक एल हो जाए एक डी हो जाए, क्योंकि जो एक अमाइनो एसिड्स हमारा हाइड्रोक्स हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा राइट साइड पे, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर हमारा अमाइनो ग्रुप होना चाहिए. अगर हम यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट करेंगे, एक हमने एल ले लिया, दूसरा हम आर डी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे, या तो
डी टाइप के होंगे तो उसमें सारे डी अमाइनो एसिड्स होंगे, और एल टाइप के होंगे तो अगेन एल टाइप के अमाइनो एसिड होंगे, और जो नेचर में मोस्ट कॉमनली मिलते हैं वो हमारे हो जाते हैं एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बन रहा है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेन चीज़ हो गई कि हमारा क्या फॉर्म होगा। पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा था, सेकेंड में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी कैसे, इंट्रा चैन। जो भी हमारे हेलिक्स फॉर्म होंगे उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा वो इसी चैन में पॉसिबल होगा। ऐसे नहीं है कि दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोई दूसरा हमारा अमाइनो एसिड्स जो हमारा स्ट्रक्चर आए और इसके बीच में फॉर्म हो, वो हमारे बीटा शीट्स में बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इंट्रा चैन हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जो भी हमारा हेलिक्स फॉर्म हुआ है उसी के अमाइनो एसिड्स के बीच में हमारे क्या हो जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। तो ये हमारे कितने तरह के हो सकते हैं, ये हमारे हो सकते हैं जो कॉमनली नेचर में मिलते हैं, ये बहुत ही रेयर देखा जाता है। इसको अब हम समझते हैं कि ये फॉर्म कैसे होंगे। तो हमारा जो एक अमाइन हम चेन ले हाइड्रोजन एटम की, सिंपल चेन ड्रॉ करते हैं हम, सपोज ये हमारा एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स हम मान लेते हैं, एक अमाइनो एसिड्स, दो, तीन, ये हमने अमाइनो एसिड्स ड्रॉ कर दिए यहाँ पर। तो अगर हम नाम देख, ये हमारा पहला अमाइनो एसिड्स है, इसको एन कर देते हैं, इसको एन प्लस वन कर देते हैं, ये एन प्लस टू हो जाएगा, ये एन प्लस थ्री हो जाएगा, और ये एन प्लस फोर हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन एटम अब हमारे फॉर्म होंगे, कि अगर हम बोलें कि हमारा हाइड्रोजन एटम फॉर्म हो रहा है बिटवीन द वन एंड द सेकेंड अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो उसको बोला जाता है कि ये कौन से होते हैं, गामा हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ऑल दो हेलिक्स हम मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं अल्फ़ा टाइप, क्योंकि वो नेचर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट हमारे और भी हेलिक्स फॉर्म हो सकते हैं, लाइक बीटा हेलिक्स फॉर्म हो सकता है, गामा जिसको हमने अभी देखा, ये भी रेयर होता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉसिबल होना बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस में होता है, मतलब रेयर ही है एक तरह से, वेरी रेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हिंडरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं करेगा। अगर फॉर्म करता भी है तो उसको बोला जाता है डेल्टा हेलिक्स। और अगर ये अपने से अमाइनो एसिड से थर्ड नंबर वाले अमाइनो एसिड्स के साथ फॉर्म करता है तो उसको बोला जाता है गामा हेलिक्स, और अगर फोर्थ एन प्लस थ्री वाले के साथ फॉर्म करेगा तो उसको बोला जाता है बीटा हेलिक्स। नेक्स्ट अगर हम जो देखें मोर कॉमन हमारे जो नेचर में हम स्टडी करते हैं, अगर एन प्लस फोर के साथ फॉर्म कर रहा है ये, तो उसको बोला जाता है अल्फा हेलिक्स, जो हमारा क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन, इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो हम अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं। और अगर हमारा हो रहा है एन प्लस फाइव के साथ फॉर्म हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं पाई हेलिक्स। तो सबसे ज़्यादा नेचर में मिलने वाला जो हेलिक्स है वो होता है अल्फा हेलिक्स। अगेन बीटा हेलिक्स भी फॉर्म हो सकते हैं, गामा हेलिक्स भी फॉर्म हो सकते हैं, बट प्रोटीन में जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है वो इनकी कम होती है। सो अगर हम ड्रॉ करें एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये हम ड्रॉ करते हैं एन सी अल्फा सी से, नेक्स्ट दूसरा अमाइनो एसिड्स एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी, अगेन ये दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके पास क्या होगा, इसका हाइड्रोजन एटम, सी ओ के पास इसका ऑक्सीजन ग्रुप, अगेन यहाँ पर हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन एटम, इसका ऑक्सीजन। सो अगर हम देखें ये हमारा हो गया एक अमाइनो एसिड जिसको हम एन बोल रहे हैं, दूसरा अमाइनो एसिड जिसको हमने नाम दिया एन प्लस वन, तीसरा इस एन प्लस टू। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट इतना सा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें हम लेते हैं फोन, एफ ओ एन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एटम जो ऑलरेडी अटैच है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये कुछ भी हो सकता है फोन में से ही, तो ये क्या हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक नॉन कोवलेंट बॉन्ड, जो ऑलरेडी अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वही हाइड्रोजन वापस से क्या करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये जो हमारा एन वाला हाइड्रोजन एटम है, ये किससे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा कि एन प्लस वन में, हमने बोला कि बहुत ही रेयर होता है, इसे फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकता है, ये जो हमारा एन प्लस टू है जिसको हमने बोला था गामा हेलिक्स, तो इसी तरह से अगर ये हमारे एन प्लस फोर तक पहुंच जाए तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अल्फा हेलिक्स जो ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, क्या देखने को मिल गया हमें, इंट्रा चैन हाइड्रोजन बॉन्ड। साथ ही साथ क्या मिल रहा है कि ये हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हमेशा, अगर शुरू से भी आप शुरू करेंगे जिस भी एटम को आप एन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एन एटम है तो ये एन प्लस फोर से करेगा, अगर आप हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो नेक्स्ट फोर वाले पे करेगा, तो इसको क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन मिल जाती है। साथ ही साथ ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल टू द एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस हो गई हमारी, इसी बेसिस पर क्या होगा, हेलिक्स इस तरह से टर्न होंगे, तो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन जाते हैं, पैरेलल टू द एक्सिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा शीट्स में जब हम पढ़ेंगे तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या हो गया, इंट्रा चैन हो गया हेलिक्स के केसेस में, और दूसरा क्या हो गया, पैरेलल टू द एक्सिस। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिए थे, ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे डिफरेंट तरह के हेलिक्स फॉर्म किए कि हमारा डेल्टा हेलिक्स हो सकता है, गामा हेलिक्स हो सकता है, बीटा हो सकता है, अल्फा, डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा अमाइनो एसिड्स, कौन से वाले अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हो जाता है पाई, तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है नेचर में, अल्फा हेलिक्स, इसीलिए हम जनरली हेलिक्स ना यूज़ करके अल्फा हेलिक्स टर्म यूज़ करते हैं, और शीट्स के लिए बीटा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बीटा शीट्स कॉमन होती है, उसको भी हम देखें। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी हेलिक्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेलिक्स हमारे अमाइनो एसिड्स और एटम के बेसिस पर कौन से तरह के हो सकते हैं अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।